दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। सीतापुर के कुछ बच्चों ने स्टेट लेवल पर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड पदक तक जीते हैं और इसी के चलते आज यहां जिलाधिकारी महोदय ने इन्हें सम्मानित किया है। साथ में है जिला क्रीड़ा अधिकारी, इनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, जो आज बच्चों ने स्टेट लेवल पर जीता है स्वर्ण पदक, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये हमारे सारे बच्चे हमारे स्टेडियम के ही प्रशिक्षार्थी हैं और हमारे कोच सुरेंद्र लाल के अंडर में बच्चे यहाँ पर निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से हमारे दो बच्चों ने प्रदेशीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी SGFI द्वारा आयोजित आगरा में, उसमें से बच्चे हमारे स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। एक बच्ची हमारी अंतर विश्वविद्यालय जो कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ाई कर रही है, वहाँ से अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में उसने स्वर्ण पदक जीता है और जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी GNDU अमृतसर में आयोजित होने वाली है वहाँ के लिए उस बच्ची ने ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है। और बाकी बच्चे अभी हमारे नजीबाबाद में प्रदेश स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें बच्चे प्रतिभाग किए हैं और स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत कर आए। सर, इसके बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके बाद ये बच्चे, सारे बच्चे, ये अभी जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई थी ये राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं थी जिसमें यूपी से इन बच्चों ने अपने मंडल से प्रतिभाग किया था और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं और वहाँ पर जाके मेडल लाए। अब ये बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं और राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने के लिए जाएंगे। तो देखिए, आप ये बच्चे जो हैं यहाँ से अब राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता को खेलने के लिए जाएंगे। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने मेडल्स के साथ और देखिए यहाँ पर जो बहुत मेहनत के बाद एक खिलाड़ी को ये मुकाम मिलता है और हर खिलाड़ी जो है इस मुकाम के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है। साथ में मौजूद हैं इनके कोच, आइए इनसे बात करते हैं। सर बताएँ जो ये बच्चों ने मेहनत करी है इसको लेकर आप क्या क्या कहना है? बच्चे सर काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, कोविड की वजह से जो नेशनल्स थे, स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएँ थी वो रुकी थी, लेकिन काफ़ी टाइम से बच्चे हार्ड प्रैक्टिस कर रहे थे तो अब जैसे ही प्रतियोगिता स्टार्ट हुई है तो बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। डिस्ट्रिक्ट पे गोल्ड, उसके बाद मंडल स्तर पे गोल्ड, स्टेट लेवल पे गोल्ड, अब हमारे बच्चे नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट हुए हैं। एक बच्ची हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हुई, इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल करके ऑल इंडिया के लिए सेलेक्ट हुई है। आज सभी को जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया था जिनको प्रशस्ति पत्र और मेडल दे करके आगे की प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। तो देखिए आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया है और साथ में ये मौजूद है हमारे साथ ये खिलाड़ी, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत इन्होंने की है और इनके कोच का कितना हाथ रहा है। आपका नाम? माई नेम इज़ दक्षिमा एंड आई एम फ्रॉम सीतापुर। हमारे जो कोच हैं वो हम लोग के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं और क्या कहते हैं सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सर भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं और सर हमारे जो हैं वो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, वो सुबह शाम ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब आपका नाम? रुद्राक्ष शर्मा। कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल। बेटा आपका नाम? अनुभवी श्रीवास्तव। कौन सा मेडल मिला आपको? गोल्ड। कैसे तैयारी की थी आपने? सर ट्रेनिंग करा रहे थे। सर ट्रेनिंग करा रहे थे। आपका नाम? मुस्कान से। क्या क्या मिला आपको? गोल्ड। गोल्ड मेडल मिला है। कौन सी प्रतियोगिता में? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो। आपका नाम? आदित्य वैभव। कौन सा मेडल है? गोल्ड। गोल्ड। कैसे मेहनत की थी? कैसे तैयारी की थी? सर हम लोग की ट्रेनिंग कराते थे सब। कितने 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 घंटे तैयारी करी आप? तीन घंटे पर डे। पढ़ाई के बीच में समय निकाल लेते थे? यस सर। जी आपका नाम? कनिष्क रावत। कौन सा मेडल मिला? सिल्वर। सिल्वर मेडल, ठीक है। आपका नाम? तनिष्का पाल। सभी लोग ताइक्वांडो प्रतियोगिता वाले ही है ना? यस सर। जी जी। आपका नाम बेटा? कार्तिक मिश्रा। किस क्लास में है? फिफ्थ। कहाँ पढ़ते हैं? LPS। LPS में। तो कैसे पढ़ाई के साथ साथ इस खेल कूद के लिए समय निकाल लेते हैं? सर उसके लिए मैनेज कर रहा था और सर जो मेडल है सर मेरी सर मेरे सर की मेहनत से है। सर की मेहनत से। बेटा आपका नाम? किस क्लास में हैं आप? UKG में। और क्या खेलती हैं आप? ताइक्वांडो वाली में खेला था आपने, तो कैसे तैयारी की थी उसकी? देखिए तो ये बच्चे अभी इतने छोटे भी हैं, यहाँ पर दो बच्चे जो कितनी मुश्किल से कितनी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालना भी बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए और उस पढ़ाई के समय से इन्होंने खेलकूद के लिए अपने कोच की मदद से अपने कोच के संरक्षण में समय निकाला और यहाँ पर ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जैसे मेडल्स को लेकर आए हैं। अब इसके बाद ये राष्ट्रीय स्तर पर भी सीतापुर के नाम को चमकाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस एक अवसर चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक सही मार्गदर्शक चाहिए, इसके बाद वो प्रतिभा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर चमकने को तैयार होती है। निश्चित ही ये खिलाड़ी जो हैं वो सीतापुर का नाम एक दिन
विश्व के परचम पटल पर लहराएंगे। विजेताओं की हौसला अफजाई करने के बाद जिला अधिकारी अनुज सिंह ने आई इंडिया से क्या कहा, वह आप भी सुनिए। देखिए, हमारे जिले के जो बच्चे हैं उन्होंने अभी स्टेट्स में टाइकोंडो में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और गोल्ड और सिल्वर मेडल्स मिले हैं। इनमें से कुछ हमारे बच्चे जो है नेशनल्स में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी एक बच्ची ने इंटर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता है और मैं आशा करता हूँ कि टाइकोंडो में यहाँ पे इनको हमारे प्रशिक्षक हैं वो काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं और जल्द ही नेशनल लेवल पे भी हमने हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं वो एक पहचान ज़रूर बनाएंगे। देखिए, मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स भी शिक्षा के साथ काफ़ी ज़रूरी होता है और एक स्पोर्ट्समैनशिप और एक जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के गुण होते हैं वो आगे जाके ज़िंदगी में काफ़ी काम आते हैं। तो हमारी जो सरकार है, भारत सरकार और राज्य सरकार, वो भी स्पोर्ट्स पे काफ़ी इम्फोसाइज कर रही है और सीतापुर में भी हम लोग इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।